आप सभी का इस ब्लॉग में फिर से स्वागत है उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं खुश हैं और अच्छे हैं अभी सुबह का टाइम है करीब साढ़े तीन ऐसे बज गया होगा आज मैं सुबह जल्दी ही उठ गई हूँ क्योंकि ये शिवरात्रि के दिन का ब्लॉग है तो मैं अभी एक दिन के बाद डाल रही हूँ क्योंकि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था उस शिवरात्रि के दिन का तो उपवास था और सुबह उठकर इतना सारा काम हो गया कि मैं पूरा थक गई थी और थोड़ा सा हालत भी ख़राब हो गया तो मैं आज वीडियो को लाइव कर रही हूँ ये सुबह का टाइम है तो सुबह मैं जल्दी उठ गई क्योंकि यहाँ पे पूजा थोड़ा सा पहले ही मैं कर लेती हूँ नहीं तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाता है तो सुबह उठकर मैं सबसे पहले गेट खोली थोड़ी सी यहाँ पे अच्छा हवा लग रहा था तो मैं बैठी थोड़ा सा आलस भागा तो फिर मैं झाड़ू लगाना इस्टार्ट कर दी झाड़ू पहले मैं ऊपर नीचे जितना भी है सीढ़ी सारा मैं इधर दे लूँगी उसके बाद अंदर देने जाऊँगी क्योंकि अंदर थोड़ा सा आराम से देना है क्योंकि अभी दोनों सोए हुए हैं और अभी तो उन लोगों को नहीं उठाना है मेरा इधर झाड़ू पोछा नहाना ये सब सारा हो जाएगा मैं पूजा करने लगूँगी तभी उन लोग को उठाऊँगी ऐसे मंदिर जाने का टाइम हो जाएगा और मैं परेशान भी नहीं होने पाऊँगी फिर सोना उठ जाएगा तो ज़्यादा उतना अच्छे से काम भी नहीं होने पाएगा और लेट भी हो जाएगा झाड़ू ये सब करने के बाद मैं आ गई हूँ इधर बाहर धोने के लिए मैं हफ़्ता में एक दिन तो सी ऊपर नीचे सीढ़ी धो ही देती हूँ और अभी बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इतना ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाता है एक ही दिन में लगता है कि यहाँ पे कभी झाड़ू पोछा होता नहीं है इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है पर डेली तो नहीं धोने पाती हूँ झाड़ू लग जाता है पर डेली मैं पोछा या धोना नहीं करती हूँ क्योंकि उतना मन भी नहीं करता है हफ्ता तो में एक दिन साफ़ कर देती हूँ क्योंकि सोना भी ऊपर नीचे हमेशा होते रहता है और ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो सोना ही गंदा हो जाएगा इसलिए ऊपर नीचे साफ़ करना पड़ता है नहीं तो पहले मैं इतना साफ नहीं करती थी और इतना गंदा भी नहीं होता था पर इधर आजकल कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जा रहा है तो थोड़ा ज़्यादा ही साफ करना पड़ रहा है सारे रूम में पोछा लगाने के बाद मैं इनको उठाई क्योंकि सीढ़ी धोना था तो पानी चाहिए और मैं भारी सामान तो अभी उठा नहीं रही हूँ तो ये उठे बाहर अभी पानी लाला कर दे रहे हैं तो मैं इधर साफ़ कर दे रही हूँ और ये रहते हैं तभी मैं इधर पोछा भी दे देती हूँ और धो भी देती हूँ क्योंकि अब बाल्टी से तो उठाने नहीं पाऊँगी भारी सामान तो उठा नहीं रही हूँ तो इनके रहते भर में ही मैं इधर पोछा दे देती हूँ और इधर मैं जल्दी जल्दी करके जाऊँगी नहाऊँगी और फिर जल्दी से मंदिर जाऊँगी पूजा करने के लिए मंदिर से आ गई हूँ मंदिर से आने के बाद चाय ये सब पी उसके बाद मैं आराम की क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी और मंदिर में इतना ज़्यादा लंबा लाइन था कि वहाँ भी खड़ा ही होना पड़ा जबकि मैं पहले गई थी साढ़े पाँच छः ऐसे चली गई थी फिर भी इतना ज़्यादा भीड़ हो गया वहाँ पे कि पूरा मन परेशान हो गया एक तो यहाँ से पूरा थक कर गई थी और वहाँ भी जा कर खड़ा रहना पड़ा तो आई तो चाहिए ये सब भी उसके बाद मैं थोड़ा सा लेट गई फिर अभी मैं उठी हूँ क्योंकि अभी सोना को खाना भी खिलाना है तो उसका खाना मैं फुला कर रख दी थी पर अभी ये सब इधर करना है और अब हल्का हल्का भूख भी लग रहा है तो सोच रही हूँ कि मूँगफली भून लूँ मूँगफली भूनने से पहले यहाँ पे जो सामान है वो सारा समेट देती हूँ उसके बाद ही मूँगफली फली भूनूंगी क्योंकि सारा चीज़ ऐसी पड़ा हुआ छोड़ कर ही आराम करने गई थी और सो भी गई क्योंकि सुबह ही जल्दी उठ गई थी इतना सुबह तो उठने का आदत नहीं है कभी कभार ही उठती हूँ जल्दी तो ऐसे उठती नहीं हूँ नॉर्मल छः साढ़े छः ऐसे उठती हूँ पर आज नींद खुद ही खुल गया तो जल्दी से मैं उठकर सारा काम कर दी और अच्छे से पूजा ये सब भी हो गया है मूंगफली भून कर मैं आ गई हूँ कपड़ा डालने के लिए अभी ठंडा हो रहा है तब तक मैं इधर कपड़ा डाल दूँगी सारा कपड़ा धुल कर पहले से ही रखा हुआ था पर मैं डाली नहीं थी वही आराम करने चली गई पर अभी मैं उठी हूँ तो डाल दे रही हूँ अभी ज़्यादा धूप तो नहीं है पर अब रात भर में सूखेगा मन भी नहीं कर रहा था जल्दी कुछ भी करने का मंदिर से आने के बाद तो इसलिए मैं उतना ना कुछ की नहीं हूँ मन पूरा थक गया है इधर करने के बाद अभी सोना यहीं पे है तो मैं सोना से भी बात कर रही हूँ और इसके साथ थोड़ा सा यहाँ पे बैठूंगी क्योंकि अभी इसको भूख लगा था तो इसको मैं खाना खिला दी हूँ अभी तेल लगाना बचा हुआ है तो मैं इधर इसको थोड़ा सा फुसला लूँगी उसके बाद ही तेल लगाने के लिए जाऊँगी नहीं तो फिर ये तेल भी नहीं लगवाएगा सुबह के टाइम मैं इसको तेल नहीं लगाई थी जल्दी जल्दी मैं सारा काम की सारा पूजा ये सब हो गया तब फिर मैं इसको उठाई और जल्दी से तैयार करके इसको मंदिर ले गई तो सारा ये सब करने के बाद मैं बैठ गई हूँ इसको तेल लगाने के लिए मैं इधर बैठी हूँ तेल लगाने के लिए और सोना अपना गाड़ी से खेल रहा है जल्दी वो आने के लिए तैयारी नहीं हो रहा था मैं जैसी तेल लेकर बैठी हूँ वैसी सोना का बदमाशी स्टार्ट हो गया जल्दी आ ही नहीं रहा है मैं उसको बार बार बोल कि आज जल्दी से मालिश कर दूंगी क्योंकि आज उतना मन भी नहीं कर रहा है आज उपवास है तो कुछ भी करने का वैसा मन नहीं कर रहा है इसलिए आज मैं कुछ उतना की भी नहीं हूँ हल्का फुल्का बस इसका खाना बनाई हूँ बस उतना ही बाकी हम लोग दोनों का तो उपवास ही है तो खाना तो उतना है नहीं फ्रूट ये सब पर हम लोग अभी हैं तो अभी फ्रूट खाकर ही बैठी हूँ अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर करें और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बनाती हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें अभी ये तेल लगवाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था तो फिर मैं इसके लिए म्यूजिकल बुक मंगवाई तो अभी ये अच्छे से तेल लगवा लेगा तो मैं जल्दी से तेल लगा देती हूँ चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट करती हूँ धन्यवाद